नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने रविवार को इतिहास रच दिया। टीम ने 73 साल में पहली बार थॉम्स कप जीता, वो भी उस इंडोनेशिया को हराकर जिसने 14 बार इस खिताब को हासिल किया है। भारत ने इंडोनेशियाई टीम को 3-0 से मात दी। भारत इस टूर्नामेंट में पहली बार फाइनल खेल रहा था। 5 मुकाबलों की इस खिताबी जंग में भारत ने लगातार 3 जीत हासिल की, इनमें 2 सिंगल्स और 1 डबल्स शामिल है। इस जीत के बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय टीम के लिए 1 करोड़ की इनामी राशि की घोषणा की। ये पहला मौका है जब खेल मंत्रालय ने ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के अलावा कोई बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने पर इनाम घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर भारतीय टीम को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। इससे पहले फाइनल के दूसरे मुकाबले में सिंगल्स जीतने के बाद डबल्स मैच जीता गया। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की भारतीय जोड़ी ने पहला गेम गवाया, फिर दूसरा और तीसरा गेम जीत कर मुकाबला अपने नाम किया। आपको बता दें, अब तक 32 बार थॉम्स कप हुआ है और केवल 5 देश ही विजेता बन सके हैं। भारत इस टूर्नामेंट को जीतने वाला 6वां देश बन गया है। इंडोनेशियाई थॉम्स कप की सबसे सफल टीम है। अब तक 14 बार खिताब पर इंडोनेशिया ने कब्जा जमाया था। 1982 के इस टूर्नामेंट में भाग ले रही चीनी टीम ने 10 और मलेशिया ने 5 खिताब जीते हैं। जापान और डेनमार्क दोनों के पास 1-1 खिताब है। थॉम्स कप हमेशा एशियाई देशों ने जीता। 2016 में डेनमार्क ये खिताब जीतने वाली पहली गैर एशियाई टीम थी। पहली बार 1948 से 49 में इंग्लिश जमीन पर ये टूर्नामेंट हुआ। थॉम्स कप पहले 3 साल में होता था और अब 2 साल में होता है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।